दक्षिण अफ्रीका से 12 चीतों को लेकर सेना का विमान ग्वालियर पहुंच चुका है। मध्य प्रदेश के श्योरपुर जिले स्थित कूनो राष्ट्रीय उद्यान में 12 और चीतों के स्वागत का इंतजाम किया गया है। इनके पहुंचने के साथ ही इस उद्यान में चीतों की संख्या बढ़कर 20 हो जाएगी। एक अध्ययन में कहा गया है कि इन चीतों से आसपास रहने वाले लोगों के लिए खतरा बहुत ही कम है। विमान की लैंडिंग ग्वालियर हवाई अड्डे पर सुबह 10 बजे हुई। यहां से चीतों को कूनो पार्क ले जाया जाएगा। इस बार केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, नरेंद्र सिंह तोमर और सीएम शिवराज चौहान कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में चीतों की आबादी को पुनर्जीवित करने की परियोजना के तहत नाम्बिया से लाए गए 8 चीतों को 17 दिसंबर को कूनो राष्ट्रीय उद्यान में एक मंच से लीवर घुमाकर लकड़ी के पिंजरों के दरवाजे खोलकर विशेष बाड़ों में पृथकवास में छोड़ा था, जिनमें 5 मादा एवं 3 नर चीते हैं। दक्षिण अफ्रीका से भारतीय वायुसेना के परिवहन विमान से शनिवार सुबह ग्वालियर पहुंचने के 30 मिनट बाद इन चीतों को वहां से भारतीय वायुसेना की हेलीकॉप्टर से करीब 165 किलोमीटर दूर कूनो राष्ट्रीय उद्यान ले जाया जाएगा। दोपहर करीब 12 बजे कूनो राष्ट्रीय उद्यान पहुंचने के बाद इन चीतों को आधे घंटे के बाद पृथकवास बाड़ों में छोड़ दिया जाएगा। प्रभात खबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं।